पठानकोट सुजानपुर रोड पर उस समय हादसा हो गया जब एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। ड्राइवर टाइम कवर करने के चक्कर में तेज रफ्तार होने के कारण आगे चल रहे दो वाहनों के ब्रेक लगाने के बाद नियंत्रण से बाहर हुई, बस सड़क से नीचे उतर गई, जिसके कारण ये हादसा हो गया। बस में सवार बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। इसके बावजूद बस में कोई भी फर्स्ट एड किट तक नहीं थी। मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर पर आरोप लगाए कि उसकी ओर से बस को तेज चलाया जा रहा था, जिस कारण ये हादसा हुआ। सर बहुत ही माड़ी गल है जिहड़ी है ड्राइवर दी है, कदे बस आ जिहड़ी है स्कूल प्रशासन नूं भी देखना चाहिए इस चीज़ नूं कि अपने देखते हुए मदे नज़र नूं रखते हुए कि बच्चों की सेफ्टी फस्ट है जिहड़ी सब तो पहले इन्हां नूं देखनी चाहिए है। इन्हां नूं अज तो 10 दिन 15 दिन पहले रिटन से कंप्लेट मैं स्कूल के जिहड़ा प्रशासन उन्हां नूं भी दित्ती सी, उन्होंने जिहड़ी है कि उहदे ते बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। वो कार्रवाई इस करके नहीं की कि जिहड़ा ड्राइवर है ये खुद मालिक है बस का, प्लस इहदियां 4-5 बसां ने, तो उस करके ये आए दिन कि ना कि कभी कट मार के या कभी किसी ओवरटेक करके ओवर स्पीड से निकल जाता, तो ये तो बनती कार्रवाई यदि बसा की चैकिंग भी करानी चाहिए है कि फिट है या नहीं फिट है। तुम हूँ ही देख सकते हो अज सवेरे इन्ना भयानक हादसा होया कि बच्चों की मैं कहना माह माह जान बची है, देखने वाले ने देखा होगा इन्ना बुरी तरह बच्चे रो रहे ही। तुम वीडियो भी साढ़े को हैगी है जो बच्चे रो रहे हैं, तो ये उल्टा अपनी बस में सीधी कर लगा हो बस बच्चों वो रेस्क्यू कर जगह की जगह, तो जो यदा फस्ट है ही कि बच्चों रेस्क्यू करता वो नहीं कर रहा, अपनी बस में देख रहा पहले कि बस सीधी हो रही है या नहीं हो रही कोई बस। हाँ जी सर सट्टा लगी बहुत, काफ़ी बच्चों सट्टा लगी हुई फस्ट एड स्कूल के तरफ तो दिता गया, ये इन्ना भी नहीं है तो बस चेक कर सकते हो कि एक फस्ट एड किट भी या कुछ कोई सेफ्टी वाला इक्यूपमेंट होए, वो बिल्कुल कोई यहोजी चीज़ नहीं हैगी। यहोजी चीज़ों देखते हुए ना तो प्रशासन के अगे भी अं मंग करा हाथ जोड़ के कि इन्हों के बसों के उत्ते बंद उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। सर क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल है जो सुजानपुर वाला, इन्हों के प्रशासन में ही चाहिए ही स्कूल प्रशासन को कि जो मैं रिटर्न से कंप्लेट दी है उदो भी इन्होंने स्कूल प्रशासन ने कोई इन्हें कार्रवाई नहीं की, तो अज जे अज उ मेरी कंप्लेट से रिटर्न कंप्लेट से कार्रवाई की होंगी तो यह हादसा नहीं होंगे जी, तो बहुत बचा हो सकता जी। धन्यवाद जी। है बस ला के मैं बच्चे आ रहा टाइम कवर करने, मेरे अगे दो बसा ने एक बस ने ब्रेक लाई है एक कार ने ब्रेक लाई है, ब्रेक ला मैं उन्होंने बचाने की खातर कच्चे तारी है गड्डी कच्चे तार ना वो गड्डी टोए च पै गई है, टोए च पैना सब तो पहला कुछ सदन बेलिया ने कुछ मैं हेल्प करके बच्चों सेफ स्कूल पहुँचाया, बच्चे का किसी के कोई सट नहीं लगी जिस करके ये परमात्मा का शुक्र है भी वो बच्चे तो बस टोए च पई है। अच्छा चलो अभी गलती जी को पुरानी है फस्ट एड किट इसलिए पहला फस्ट एड किट नो अभी बचाना चाहते हैं भी सब तो पहला सेफ बच्चे स्कूल पहुंचा टाइम से मामला होया देखो मित्र मेरे को PCR का इंचार्ज है, हमने मेरे को इनफॉर्मेशन मिली कि टैंक चौंक तो सुजानपुर रोड से जी स्कूल की बस आ हाँ जी वो लागे टोए के पलटी है, तो इमीजिएटली अं पुलिस पार्टी PCR उत्थे पहुँच के बच्चों हेल्प करके तो स्कूल भेजा गया है, किसी को कोई सट सूट नहीं लगी, बस की कंडीशन वेखी गई है, बाकी ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चैक कर रहे हैं, मौके पर ही जी थाने की पार्टी भी बुलाई है जो वेरीफिकेशन होगी उसकी कार्रवाई होगी। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल बहुत महंगा गलत, आप सारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।